नमस्कार। आज हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में मूंगफली यानी ग्राउंडनट की फसल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मूंगफली को मराठी में भुईमूंग बोलते हैं। मूंगफली एक महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधित फसल है जो ज़्यादातर बारिश पर निर्भर है। मूंगफली फसल समुद्र सपाटी से लगभग 3,300 फुट ऊंचाई तक ली जाती है। मूंगफली मुख्य रूप में खाने का तेल निकालने के लिए बोई जाती है। मूंगफली के दानों में 50% तेल होता है। दाने खाने में भी उपयोग में ले जाते हैं। दानों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ए बी और B2 गट के कुछ प्रकार होते हैं। मूंगफली के खल्ली में 8% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस और 1% पोटास होता है। इसलिए ये खेती में और पशु खाद्य में महत्वपूर्ण है। मूंगफली एक मुख्य जड़ होती है जो भूमि के अंदर 4 फीट तक गहराई में बढ़ती है और शाखा जड़ें दोनों ओर भूमि के सतह पर समांतर 1.5 फुट तक फैलती है। मूंगफली के कुछ प्रमुख किस्में TAG 24, ये एक किस्म है। दूसरी किस्म है TG 26, उसके बाद तीसरी मूंगफली की किस्म है फुली प्रगति JL 24, उसके बाद SB 11, ये एक मूंगफली की किस्म है। उसके बाद Koina B 95, उसके बाद Karad 411, उसके बाद M 13। इस तरह से मूंगफली की किस्में और ख़ासकर गुजरात प्रांत में Junagadh 11 ली जाती है। उसके बाद Junagadh 10 और Panjabon, ये किस्में गुजरात में ली जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मूंगफली की ज्योति KG 61240, ये किस्में ली जाती है। उसके बाद गंगापुरी, ये किस्में ली जाती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद विदेशी 5, ये भी मध्य प्रदेश में ली जाती है। उसके बाद पंजाब प्रांत की किस्में मूंगफली की Panjab 1 C 51, उसके बाद M 13, उसके बाद M 145, इस तरह से मध्य प्रदेश की फसल ली जाती है मूंगफली की। उसके बाद आंध्र प्रदेश की किस्में है T1V2, उसके बाद Panisudaris, ये मूंगफली की किस्में आंध्र प्रदेश में ली जाती है। उसके बाद मूंगफली के लिए भूमि की तैयारी, भूमि को जोताई करें, पूर्व फसल के अवशेष चुनकर कई ढेर लगा दे अथवा रोटारेटर करने के मिट्टी में मिला दे। भूमि को कड़ी धूप में तपने नहीं दे। मिट्टी के कण और सौर ऊर्जा से भारित होकर वर्षा जल में संग्रहित करने के लिए समक्ष होते हैं। साथ में मिट्टी के ढेर सहजन से फूट जाते हैं और जुताई सुलभ होती है। आखिरी जुताई के पहले प्रति एकड़ 400 किलो गंजामृत 1 एकड़ भूमि पर समान मात्रा में बिखर दे और अंतिम जुताई से मिट्टी में मिला दे। अंतिम जुताई करते समय ढलान विपरीत दिशा में जुताई करें ताकि बारिश का पानी हर जगह रुका पाए और उर्वरा मिट्टी सुरक्षित रहे। मानसून पूर्व बारिश आने के बाद अथवा सिंचाई का पानी देकर मिट्टी में खरपतवार के बीज को अंकुरित हो जाने दे। जब भूमि हरी होगी तब जुताई करें और खरपतवार को मिट्टी में मिला दे। उसके बाद मूंगफली के बीजों को बीजामृत का संस्कार करना है। उसके बाद मूंगफली में जो फसल चक्र हम लेते हैं उसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी के साथ बढ़िया होता है। मूंगफली द्विदल है और उसके साथ हम धान और सब्जियां भी ले सकते हैं। मूंगफली बोवाई का समय खरीफ सीजन में जून जुलाई, रबी सीजन में सितंबर अक्टूबर और धूप काल में जनवरी में हम मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। मूंगफली के बीज का प्रमाण प्रति एकड़ 35 से 40 किलो मूंगफली के दाने चाहिए।
उसके बाद मूंगफली को हमें जीवामृत का छिड़काव करना है। पहला छिड़काव बीज बुआई के 15 दिन बाद प्रति एकड़ 100 लीटर पानी और 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। उसके बाद दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव 150 लीटर पानी 15 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। उसके बाद तीसरा छिड़काव 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी 30 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। उसके बाद चौथा छिड़काव 200 लीटर पानी में 40 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। उसके बाद पांचवा छिड़काव 200 लीटर पानी उसमें 5 लीटर खट्टी छाछ और 30 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत मिलाकर छिड़काव करना है। उसके बाद हमें फसल सुरक्षा हर अमावस और पूर्णिमा को ब्रह्मास्त्र अग्निस्त्र या दशपर्णी अर्क इनमें से कोई भी एक का छिड़काव करना है। मूंगफली के पौधे को उखाड़ना। मूंगफली की पक्वता काल समाप्त होने के बाद सैंपल के रूप में 1-2 पौधे उखाड़ कर देखिए। जब 80% फलियां पक्व होने के बाद फसल सल को उखाड़िए। फलियां निकालने के बाद धूप में अच्छी तरह से सुखाइए। फली में नमी 8% तक नीचे आने के बाद फली सुखाती है। खरीफ सीजन में प्रति एकड़ 8 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। रबी सीजन में 8 से 10 क्विंटल उत्पादन मिलता है और धूपकाल के सीजन में प्रति एकड़ 12 से 15 क्विंटल उत्पादन मिलता है। इस तरह हमने सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में मूंगफली की फसल किस तरह लेनी है इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। धन्यवाद।